खुदा ताला का नाम अल सबूर का उर्दू और इंग्लिश में मतलब सब्र करने वाला, साबर गुनाहगारों के साथ नरमी करने वाला, तो ये खुदा ताला का सिफाती नाम है। और सब्र कहेंगे पेशेंट को और एंडोरेंस को और रेजिग्नेशन को, सबमिशन को और सफरिंग को। और साबिर की इंग्लिश है पेशेंट और गुनाहगार की इंग्लिश है एक क्रिमिनल, एक कल्प्रिट। और नरमी की इंग्लिश है सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, टेंडरनेस, डेलिकेसी, अबेटमेंट, इजीनेस, फ्लुएंसी। और पेटियंस का उर्दू में मतलब है कि सब्र, ज़ब्त, इस्तकलाल, तहम्मल, तकलीफ वगैरह की सूरत में बर्दाश्त की कुव्वत। और एंडोरेंस का उर्दू में मतलब है कुव्वत बर्दाश्त, दम, तवील दबाव बर्दाश्त करने की सख्त। और रिजिग्नेशन का मतलब है हालात से समझौता कर लेना। और सबमिशन का मतलब है पेश करने का अमल, पेश की जाने वाली शय, नियाजमंदी, अतायत, तस्लीम। और सफरिंग का मतलब होता है कि मुसीबत और इब्तला। और पेशेंट का मतलब है साबर, बुर्दबार, सहारने वाला, जेरे इलाज मरीज। और क्रिमिनल का मतलब है जुर्म का मुर्तकिब शख्स, मुजरम, जराइम के मुतल्लिक सजा याफ्ता। और कल्प्रिट का मतलब है मुजरम, खताकार, कसूरवार। और सॉफ्टनेस का मतलब है मलाइमट, लताफत वगैरह। और स्मूथनेस का मतलब होता है हमवारी, दुरुस्ती। और टेंडरनेस का मतलब है नरमी, गुदासपन। और डेलिकेसी का मतलब है नफासत, नाजककारी, हुस्ने अफरीनी, लताफत, उम्दा पुरतकल्लफ खाना और महंगा खाना। और अबेटमेंट का मतलब है तखफीफ, कमी। और फ्लुएंसी का मतलब है रवानी बर्जस्तगी। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, तेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। या अल्लाह तू सबूर है, हम सबके गुनाह माफ़ कर, बुझ तेरे चार घर को कोई नहीं, अल्लाह माफ़ हमें सुनाए।